लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए, यही सजेशन है। आप इसको एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म के साथ भी रख सकते हैं। सरवन हमारे साथ हैं देवघर झारखंड से। सरवन नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, डीएल का शेयर है मेरे पास 300। नमस्ते, पूछिए वन सवाल। पीपीएल, हाँ डीएल का शेयर है मेरे पास 300, 158.54 रेट पर। तो अभी तो नुकसान हो रहा है काफी स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक तो 93 पर ट्रेड हो रहा है, आपकी बाइंग 158 की है, तो लॉसेस तो हैं। रख सकते हैं वैसे इसको लॉन्ग टर्म या एवरेज कर सकते हैं, अगर सलाह दी जाए तो श्रवण? हाँ तो इसको हम शॉर्ट टर्म ही रखेंगे, तो इसमें क्या करना है ये आप सलाह दीजिए। ठीक है, यानी बहुत लंबा आप नहीं रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का ही व्यू है, तो क्या सजेशन रहेगा रवि? नुकसान तो है काफी गेल में। देखिए मुझे लगता है दीपाली जी, आपने ज्यादा अच्छा सजेशन की बात की है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपको डिविडेंड बहुत अच्छे देता है। आपको डिविडेंड ईयरली आपको 6.5% की मिल रही है बैंक की एफडी के बराबर। और दूसरी बात है कि अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वीक जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस पुल बैक कर सकता है। तो अगर एवरेज करते हैं तो आपको 120 के आसपास तक निकलने का मौका मिल सकता है। तो अगर आपकी जगह मैं अगर एग्जिट होना चाहूंगा तो 120 के आसपास निकलना ज्यादा अच्छा है, थोड़ा एवरेज कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 1-2 हफ्ते में 120 के आसपास आता है तो आप पोजीशन को निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। जितेंद्र पांडे ने एक सवाल भेजा है हमें मुंबई से, टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 150 क्वांटिटी है इनके पास टाटा स्टील में, और बाइंग प्राइस है इनका 1180 का, ये एडजस्टमेंट से पहले की इनकी बाइंग है, तो बताइए क्या सलाह रहेगी टाटा स्टील में, लॉन्ग टर्म विजन हो तो? देखिए 127 और 140 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। एक मेजर 200 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे अगर 110 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो वो मेजर मूविंग एवरेज जैसे ही टूटेगा मोमेंटम अप होगा, तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 103 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म पे होल्ड करके रखते हैं। तो पहला टारगेट होगा 130 का, दूसरा टारगेट होगा 140 का। ये दो टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करके रखें। ये स्टॉक काफी अच्छा है, मोमेंटम अच्छा बना रहा है और लॉन्ग टर्म पे एक अच्छे रिटर्न से यहां पर मिल सकते हैं।